हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत मज़े में होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दीपिका पादुकोण इंस्पायर मेकअप लुक। आई होप आप लोगों को पसंद आए। सबसे पहले मैंने यहाँ प्राइमर यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड का। नेक्स्ट मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ और ये न्यू प्रोडक्ट है मेरे लिए, मैंने आज से पहले इसे यूज़ नहीं किया है। ये है ब्लू हेवन का फाउंडेशन जो कि काफ़ी अच्छा है। इसका प्राइस ओनली 27 रुपीज़ है। इसका रिव्यू आप मेरे चैनल पे ज़रूर से ज़रूर चेक करिए। ओके, अगेन मैं यहाँ पे ब्लू हेवन के ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप वेटेस्ट स्किन टोन के हो तो इसका रिव्यू देख सकते हो। मुझे इसका शेड नंबर अभी याद नहीं है तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही हाई कवरेज कंसीलर है गाइस, और ओनली 69 रुपीज़ में आपको समथिंग में आपको मिल जाएगा। जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है वहाँ वहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ। एंड अगेन मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूँगी। अपने फेस को अच्छे से सेट करने के लिए मैं यहाँ पे मेबलिन का सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। अगर आपकी स्किन जो है ड्राई है तो आप मत यूज़ करें, क्योंकि विंटर्स में ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, और बहुत ही हल्के हैंड से करें अगर आप करते भी हैं तो। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का आईब्रो पाउडर, एंड उससे मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी। और एक ब्रश की मदद से अच्छे से मैं इसे सेट कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ ओडबो किट, एंड वहाँ उसमें से ले रही हूँ मैं कॉन्टोर शेड, एंड अपने फेस को मैं कॉन्टोर कर लूँगी। तो मैं बहुत हल्का कॉन्टोर कर रही हूँ क्योंकि उनका फेस जो है हल्का ही कॉन्टोर है। और राइट, नेक्स्ट मैं अपने नोज़ को भी कॉन्टोर कर लेती हूँ क्योंकि मेरी नोज़ जो है थोड़ी सी मोटी है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये निका के का ब्लश है, एंड क्योंकि उनका पीची पिंक सा ब्लश दिख रहा है इसलिए मैं ये वाला ब्लश यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लश है गाइस। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एडीएस की ब्लैक पेंसिल, और ये सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज़ की आती है। तो इसे लेके मैं क्योंकि उनकी स्मोकी जो उन्होंने काजल लगा रखा है उसे स्मोक आउट कर रखा है, तो इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और इसे जो है मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। तो नेक्स्ट मैं यहाँ से ब्राउन शेड ले रही हूँ और उसे लेके मैं ये इसे ब्लेंड कर दूँगी एक ब्रश की मदद से। आप चाहें तो अपनी फिंगर से कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है फिंगर से भी। थोड़ा सा शेप देने के लिए मैं एक अगेन ब्रश में ले रही हूँ, एंड इस तरीके से मैं अपनी क्रीज पे अप्लाई कर देती हूँ क्योंकि इससे जो है हल्का शेप मिल जाएगा। इसी तरीके से उन्होंने अप्लाई कर रखा है। मस्कारा के लिए मैं यहाँ पे पड़सोनी का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद से मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का, और मैं जहाँ जहाँ मुझे हाइलाइटिंग करनी है वहाँ वहाँ मैं इसे कर लेती हूँ। नेक्स्ट मैं अपने फेस पे जो है हाइलाइट कर रही हूँ अपने फेस को। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिप बाम यूज़ कर रही हूँ, और ये बायोटिक का लिप बाम है, काफ़ी अच्छा है। इसे मैं अच्छे से अप्लाई करूँगी, एंड उसके बाद से मैं लैक्मी का लिप क्रियॉन यूज़ कर रही हूँ जो कि पीच मैग्नेट है, और ये काफ़ी अच्छा है। मैं हल्का लगा रही हूँ ताकि जो है जैसा मुझे शेड चाहिए उस तरीके से आ पाए।
नेक्स्ट मैं अगेन ब्रश ले रही हूँ, और जिसमें मैंने हल्का सा जो है कॉन्टोर शेड लिया था, पाउडर कह सकते हैं, उसे लेके मैं अपने वाटर लाइन के नीचे अच्छे से मैंने स्मच किया है। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कामा आयुर्वेदा का मोगरा वाटर, और ये ख़त्म हो गया तो इसमें मैंने रोज़ वाटर जो है फिल कर दिया है, उसी से मैंने सेट कर लिया सेटिंग स्प्रे की तरह, और अगेन मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से सारी चीज़ें ब्लेंड कर लूँगी। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप मेरा फाइनल लुक। आई होप आपको पसंद आया हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर यस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।